नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमूर्ति इंडिया गेट लगे तेज जड़े प्रस्तुत करते आउ जड़े ओडिया पुओ अद्वितीय गणनायक जिसकी जो मॉडर्न आर्ट गैलरी रही तार जे जी डी रही सी ए प्रतिमूर्ति को प्रतिष्ठा करेंगे खबर अच्छी तेज निश्चित भाव आम सहित अद्वितीय गणनायक सार रही सहित अधिक आलोचना करवा सार सर्वप्रथमे चैनल को स्वागत करी कंग्रेचुलेसन सार एत बड़ दायित्व अनेक कलाकार रही कि आपण को प्रधानमंत्री बाछी सुजोग प्राथमिक प्रधानमंत्री जी को मर जो मुझे आम प्रधानमंत्री जहाँ भावुंत गोटे सुंदर रूप मान जोटा कि इंडिपेंडेंट 75 वर्ष अमृत महोत्सव आम पालन करुचे मान 75 वर्ष जो रेस्पेक्ट आम देने सुभाष बोस जे कि मान मान कह ब्लडटा जमी गरम हो जाए ना माने से भलिया व्यक्तित्व को आम जेते बले सम्मान देवाई प्रधानमंत्री जी इच्छा आउ सी भी चाहूँगी सेटा इंडिया गेट रे जो कैनोपी अच्छी जोटे कि प्रथम पंचम जर्ज कर स्टाचू थिला से जगार आम तांकरी प्रतिमा को सुंदर भाव भव्य भाव जहाँ कि से इमाजिन कर माने जहाँ तांकर जो शौर्य को प्रोजेक्ट करी तांकर जो सेंस को मत भी बेले बेले लगे जमती फिल्म मेकर फिल्म तैयारी करिया को हेलना ताको गांधीजी फिल्म या से हीरो थिले गांधीजी से निजे भी तांकर खाइबा पीबा रहिबा तांकर से ही स्टाइल रे मत भी लगुच पूरा मानने से ही जिनस मानने फिल करी से रूप देवा को सुजोग दे प्रधानमंत्री जी पुणी से गोटे ग्रानाइट माने सबुठ बड़ सबुठ मु बेले बेले सदा बेले कहे आम प्लानेट्र सबुठ पुराणा फैमिली मेम्बर हूँ ग्रानाइट सी आम विषय सब जाणी सुभाष बोस कौन ये कर तार इतिहास भी ता भर अच्छी जिते बार क्लीन करदे से सब जिन जो बेले बेले लगे सरेन्डर कलेना से सब जिन डायलग भी करपर से हिसाब से प्रधानमंत्री जी कर भी इच्छा कि एटा ब्लाक ग्रानाइट हवा दरकार जे कि ब्लाक कलर आम कहू माँ काली कि कृष्ण रंगा रंग कला जो एनर्जी ना जो पावर ब्लाक कलर ना किसी भी रंग रखी दिए से समस्त नहीं जाए माँ जगन्नाथ भी कला माने से जिनस को लेकर आम जो चिंता करुचे ग्रानाइट केमती रूप दबा आउ को प्रोसेस तैयारी हम बेले बेले मान कांधटा ना बहुत भारी हो जाए कारण अनेक गुड़िया पथर अच्छी आम जी कह अनेक गुड़िया पथर मार्केट अच्छे राजस्थान टू आरंभ करी उड़ीसा पर्यंत तेलेंगाना आरंभ करी दिल्ली पर्यंत तो कला मुगुनी पथर जोटा कि आप ग्रानाइट कहते तो कला मुगुनी पथर कहीं भाविले जो आर्टिस्ट हिसाब से बेटर कहीपरेंगे से कौन पिक्चर भल आसे ना तार क्वालिटी अधिक दिन रहे प्रधानमंत्री एमती कहीं भाविले चिंता कले देख जो कथा मुझे प्रथम कहली कला मुगुनी पथर मैंने सबुठ गोटे स्ट्रंग माने तांको क्यारेक्टरटा भी सुभाष क्यारेक्टरटा हूँ स्ट्रंग बहुत स्ट्रंग आपको सबुठ पुराणा पथर हूँ आम प्लानेट्रे सी आउर जब गोटे लाइन देवे ग्रानाइट्रे से जुग जुग धरे रहे कारण एते स्ट्रंग आपन खेली पारे कलर टेक्सचर तैयारी करें लाइन क्रिएट करें तेहर हाई पॉलिश करें मिरर भाया फिनिशिंग करें तार डार्कनेस को जो डेप्थ देखा चाहिए ता भर आप क्रिएट करें जमी गोटे ह्यूज कानभास मिलू से कलर से पथर भितर आूपटा को आप जो हिसाब से भावे ट्रांसफर करें जो एनर्जी आम भावचे रूपटा केमी हवा दरकार कह कण सबू जगार आम पोर्ट्रेट देखुचे सबु जगार तांकर रूप देखुचे किंतु जेतेले गोटे ग्रानाइट पथ भितर माने ग्रानाइट माने जो एनर्जीटा को जो आम भावुचे जोटा कि आप टच कले फिल करें गोटे लाइफ से डेड नुहे तेणु आम से पथर को जो टच करेंगे से जिनसटा को आप फिल करें कारण तार सॉफ्टनेस देखिए तार हार्डनेस देखिए तार मध्यस्थता भी देखी पारे सीधे जो प्रधानमंत्री पिक्चर ट्वीट करते तार कौन डिजाइन से हीपरी हम ना आ कि डिजाइन रे चेंजेस अच्छी डिजाइन हो सारे डिजाइन से हीपरी हम कारण से डिजाइनटा ही मुझे आमे बहुत दिन धरी ताऊपर भी काम करूपटा केमती हवा दरकार
कौन केमती से भी डिटेल जाकर देखिए से टेक्सचर अच्छी से लाइन अच्छी से पॉलिश अच्छी से जो ड्रेस भी देखिए विभिन्न प्रकार हाँ 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 बहुत स्ट्रंग जने ओडिया हिसाब रे से कटक रे जन्म ग्रहण करछन्दी सेठी पाठ पढ़ आपण मध्ये जने ओडिया तो ओडिया रो जो फीलिंग्स रही राज्य पई केते गौरव रो विषय बोली आपण कह देखंतु एटा माने स्पेशल जने ओडिया पई माने भाबिले लागुचे सते कि वाह माने इत्ते बड़ काम माने बहुत दिन धरी आम भी सेठे कलकाटा जिते बड़े आर्टिस्ट मानक नहीं करी से दुई वर्ष तले सेठे आम प्रधानमंत्री निजे भी जाइले से जगार जो आम पेंटिंग करूँ कनसेप्ट को लेकर आम जो तैयारी भाव को उखारियापाई आम बहुत एक्सरसाइज करा आज नुहे वर्ष वर्ष धरी चलचे माने दु वर्ष हो गला भितर रिसर्च चलती कौन हवा दरकार केमती रूप हवा दरकार गोटे मोनुमेंट हवा दरकार बहुत प्रकार चर्चा भी चलती ता भितर प्रधानमंत्री जी इच्छा कि आम प्रथम यही जगार आम जगह दबा जो सम्मान मिल ना से सम्मान मिलवासी आम ओडावासी माने आम एक्चुअली कौन करें से टाइप प्रेजेन्ट करम स्टेटर एत बड़ लीडर जे कि आम भाविले भी आश्चर्य लगुच कितु आम आम स्टेट से टाइप प्रेजेन्ट करूँ से टाइप भावनु भी आम से टाइप आप देखुं स्टाच्यू अफ लिबर्टी हो स्टाच्यू अफ यूनिटी हो जाऊ कुछ से टाइप भव्य रूप हवा दरकार आम स्टेट भी करवा दरकार आटेट फिल कराकर आम गौरवान्वित हवा दरकार इंडिया गेट जो एक्चुअली कौ पर्सन जो पर्सन टा खाली पड़ी पंचम जनजक स्टेज थी जो 28 फुट उच्चता कहु से कौन एस्टाब्लीश हो पार ना से भांगिक आउ थे करेंगे ना ना से जिन रमे आज कल टेक्नोलोजी हो गला बहुत बढ़िया टेक्नोलोजी आराम से नहीं पार टेक्नो आम कार्विंग भी टेक्नोलोजी आसी जाए आजिकल न्यूमाटिक रे काम करुचे आम विभिन्न प्रकार सीएनसी मशीन टू आरंभ करी एवं तो आउट टेक्नो जोटा कि अलग अलग आंगेल रे आम काम करा जोटा कि आम डिजिटल रे तैयारी करी करी आम मशीनरी भी यूज करी परिवा तेणु काम करने बहुत किसी टेक्निक आसी आम तार प्रपर गोटे मॉडल करुचु जो मॉडल कि आम इजिली तार डिटेल नहीं पार कारण थरे मॉडल हेला मोर इच्छा जे तार जो साइज़ रे तैयारी हवा दरकार से साइज़ रे गोटे फाइबर रे तैयारी करी जोटा कि प्रथम रियल सेल करी माने देखिले केमती लगुच मुझे भावुची से रूप आसूची ना ना तेणु आ जगह बहुत डेलिकेट जगह से बहुत केयरफुल भितर आम नहीं एंट्री कर रायसीना हिल आड़क रही प्रधानमंत्री जी इच्छा कारण से वार मेमोरियल माने से सही हिसाब से आम प्रधानमंत्री जमी इच्छा से हिसाब से हम आम चिंता करवा वार मेमोरियल से कनेक्ट रहा ये जो सर तैयारी हम या पथर आवश्यक रोचे गोटे ह्यूज अमाउंट लेबर आवश्यक हे पाखापाखि केगर आप लगे और जो पथर कहीं पथर पर राज्य अपेक्षा थे अनेक राज्य तो सब बेस्ट पथर कौट मिले आप हिसाब से पथर कौटू आते कारीगर देख सब बढ़िया पथर ग्रानाइट कहले साउथ साउथ माने ग्रानाइट मुझे जिते से मुंबई रे काम करूँ से चामराजनगर आमे ब्लैक पथर आनी बहुत सुंदर ब्लैक कलर एबे भी आमे से साउथ ऊपर डिपेंड कर साउथ रे पारे एठे अमर आंध्रा तेलंगाना से बेल्ट भी मिल पारे आम तीन चार जगार मेनली साउथ बेल्ट को ही टारगेट कर जगार कि आम जो कलर टा चाहूँ ना जेड ब्लैक हवा दरकार पूरा जो एनर्जी कथबार्ता करूचे ना से टाइप हवा दरकार तेणु आम जिते दूर आशा से साउथ आउ जो आप लेबर कथा कहते एक्चुअली लेबर नुहति से बड़ बड़ आर्टिस्ट जो मैंने कि बहुत सुंदर आवल से साउथ मान बे साउथ आर्टिस्ट कारण ग्रानाइट रे काम हम तेणु से मानकर जो शैली से ग्रानाइट से खेली बुली से जानते आउ से आमे बेसी से पाखापाखि कोड़े तीस जन रे साथ भावुँ बड़ बड़ आर्टिस्ट आमर जो देशर अच्छा से भी सहयोग रण यहाँ गोटे समस्ते मिसिकी आम तैयारी करुचे कि जड़े इंडिविजुआल आमर एनजीएम टीम लगी आमर कल्चरल मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर तो पूरा इच्छा कितु आम चाहूँ देशर भी बड़ बड़ आर्टिस्ट
ସେମାନଙ୍କର ବି ସଜେସନ୍ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ କ'ଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ସୁଭାଷ ବୋଷ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ମିଶିକରି କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ସାର୍ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆମେ କହିପାରିବା କି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଅଛି ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି କାମ କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି? ସେମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, କମ୍ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ, ତେଣୁ ଏବେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଏବେଠୁ ମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲିଣି, କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମ ପାଖେ ମାନେ ଯେମିତି କାନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରେସର୍ ଆସିଲା ଭଳିଆ ନା, ଦିନରେ ବି ଏବେ ନିଦ ମାନେ ସେଇ ସୁବାସ ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା, କାରଣ ନହେଲେ ଇଏ ତ କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଡେକୋରେସନ୍ ପିସ୍ ନା, ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଥିଲା ସାର୍, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ହଁ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ସାର୍ ହଲୋଗ୍ରାମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି, କିଛି ଯେଉଁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ହଲୋଗ୍ରାମ ପିକ୍ଚର ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର ଆସିନି, ଏବଂ ସେଇଟା କେବଳ କ'ଣ ରାତିରେ ଦେଖାଯିବ? କେବଳ ରାତିରେ, କାରଣ ସେଇଟା ଡାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ହିଁ ଦରକାର, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ ସେ ଯୋଗୁଁ ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଡାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହିଁ ଆମେ, କାରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି କରିଛେ ହଲୋଗ୍ରାମ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଡାର୍କ ସ୍ପେସ୍ରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ଅଗଷ୍ଟ 15 ବେଳକୁ ଆମେ ଭବ୍ୟ 28 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯିଏ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଫେସବୁକ୍ ହେଉ ସଡ଼େ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଯେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେତେ ବି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ବି ଭାଗିଦାରୀ, କାରଣ ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର ଭାଷା ଭାବରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ମାନେ ଇମାଜିନ୍ କରିହେଉନି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ନେସନ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଛାପ ବଢ଼ିଲା, ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ସେମିତି ହୁଏ, ଏଇଟା କେହି ସେମିତି, ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ଆସିକିରି ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଠି ଜାଗାରେ ବସିବି କେହି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ, ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ସରେଣ୍ଡର ମୁଁ ପଥର ସାଥିରେ ବି ସେଇ ସରେଣ୍ଡର କରେ, ବେଳେବେଳେ ସିଏ ରୂପ ବତାଏ ବେଳେବେଳେ ଯେ ଏଇ ରୂପଟା ଏମିତି ହେବ, ଆଉ ସେଇ ଡ୍ରିମ୍ରେ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 3 ଡ୍ରିମ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରେ ଗଛକୁ ଚୟନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସେଠି କୁହନ୍ତି ଏଠି ସାପ ଥିବ ଏଠି ଇଏ ଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି, ସେଇ ଡ୍ରିମ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ପଥରକୁ ଖୋଜୁଛି ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କରି ରୂପ ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ରୂପକୁ କେଉଁ ଆକାରରେ ସେଇଟା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ନୁହେଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ସେଥିରେ, ସବୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଜୀ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଅଦିତ୍ୟ ଗଡ଼ନାୟକ, ଯିଏକି ଡିଜି ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ତିଆରି କରିବା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହୁଏତ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଜେଟ୍ ପଥର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ କାମ ହୋଇପାରିବ, ହୁଏତ ସେଠୁ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହିବୁ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଛାପ ରହିବ। ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ହୋଇଛି, ଏବଂ ୟା ସହିତ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଛାପ ରହିଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ତୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଭାରତର ଆଇକନ୍କୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବ, ଏବଂ ଖାସ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ର ଏବଂ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ତାର ଶୋଭା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା ରଖାଯାଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।